Hello friends, welcome to Matrix channel. Today's video's topic is homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation होता क्या है और homogeneous differential equation को कैसे solve करते हैं मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा. पहले differential equation की introduction और variable separation method और reducible variable separable method की वीडियो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक है, आपको मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन की इंट्रोडक्शन और रिड्यूसेबल टू डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के एक और टाइप है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख सकते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उसको ही बोलते हैं जिसके पास डीवाई डीएक्स इक्वल टू एफ फंक्शन और जी फंक्शन की डिग्री सेम होनी चाहिए. अगर इसके इसका डिग्री 2 और इसका डिग्री 2 है तो इसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है. मैंने 3 एग्जांपल पिकअप किया है. एग्जांपल नंबर 1 को देखिए, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1. तो आप जो एग्जांपल 1 को देखिए, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. दूसरा एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर डी वाई, यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ पे आप जब वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी डिग्री 2 होगा. तो ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. थर्ड को देखिए, इसका भी डिग्री 1 बाई 1, इसका भी डिग्री 1 बाई 1, तो ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये जो आप देख सकते हैं y बाई एक्स, अगर y बाई एक्स रिपीट कर रहा है तो y बाई एक्स को आपको एक और फंक्शन भी मानना पड़ेगा, यानी कि y इक्वल टू वी एक्स करके इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है. अगर x बाई वाई रिपीट कर रहा है, ध्यान से देखिए, अगर x बाई वाई रिपीट कर रहा है तो इसको एक्स बाई वाई इक्वल टू भी पुट करना पड़ेगा, जहां से एक्स इक्वल टू भी वाई पुट करके आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन कर सकते हैं. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज होगा. आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है देख लीजिए. मैं वाई इक्वल टू वी एक्स और एक्स इक्वल टू वी वाई दोनों मेथड से कैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करते हैं मैं दिखाऊंगा. चलिए एग्जांपल 1 लेते हैं. चलिए एग्जांपल 1 को सॉल्व करते हैं. आप देख सकते हैं वाई बाई एक्स यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो वाई बाई एक्स इक्वल टू वी मान लीजिए, तो वाई इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा. फिर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये आ जाएगा dy वाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस, एक्स को छोड़िए, इसका कीजिए डीवी बाई डी एक्स. तो आपको dy वाई बाई डी एक्स के वैल्यू को ये पुट करना पड़ेगा. देखिए ध्यान से, y बाई एक्स को भी पुट कीजिए, तो आप देख सकते हैं भी से भी कैंसिल हो जाएगा. अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज कीजिए और इसे और आसान कीजिए. तो ये डी भी टेन भी हो जाएगा और डी एक्स यहां जाएगा और ये एक्स नीचे आ जाएगा, टेन भी ऊपर जाके कॉट भी डी भी हो जाएगा और इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स आ जाएगा और मैं कांस्टेंट को लॉग सी लूंगा.
सो देखिए कॉट भी डी भी का इंटीग्रेशन होगा लॉग साइन भी और डीएक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स प्लस लॉग सी। मैं लिखूंगा लॉग साइन भी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी को लिख सकता हूं एक्स सी। फिर देखिए लॉग से लॉग को कैंसिल जब करेंगे तो साइन भी इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा और भी की जगह वाई बाई एक्स को पुट करेंगे तो साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू सी एक्स होगा। फिर वाई बाई एक्स साइन को उधर ले जाइए साइन इनवर्स सी एक्स तो वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स सी एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। चलिए सो फ्रेंड्स एग्जांपल टू को देखिए। एग्जांपल टू में एक्स बाई वाई रिपीट कर रहा है तो आपको यहां पे एक्स बाई वाई को भी मानना पड़ेगा तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू भी वाई। एग्जाम्पल नंबर वन की तरफ इसे वाई की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाता है। एग्जाम्पल में वन में था वाई इक्वल टू भी एक्स यहां पे है एक्स इक्वल टू भी वाई तो इसको आप वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये आ जाएगा डीएक्स बाई डी वाई इक्वल टू भी प्लस वाई को छोड़िए डी भी बाई डी वाई। तो मैं इसको एक सिंपल फॉर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगा वन प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई डीएक्स इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स वाई वन माइनस एक्स बाई वाई। तो ध्यान से देखिए अब एक्स बाई वाई की जगह वी पुट कीजिए तो ये आ जाएगा वन प्लस ई की पावर वी डीएक्स यहां पे डी वाई होगा डीएक्स डी वाई इक्वल टू यहां पे पुट कीजिए भी और यहां आ जाएगा वन माइनस भी डीएक्स डी वाई की वैल्यू अब आपको पुट करना पड़ेगा तो ये देखिए वन प्लस ई की पावर भी इंटू भी प्लस वाई डी भी बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर भी वन माइनस भी। अब इसको यहां पे लाइए तो ये आ जाएगा भी प्लस वाई डी भी बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर भी वन माइनस भी बाई वन प्लस ई की पावर भी। मैं एक स्टेप में कर रहा हूं आप भी को यहां पर ले जाइए तो भी यहां आ जाएगा तो आप लिखिए वाई डी भी डी वाई इक्वल टू इसका एलसीएम लीजिए वन प्लस ई की पावर भी तो ये आ जाएगा ई की पावर भी माइनस माइनस प्लस भी ई की पावर भी और यहां पे आ जाएगा माइनस माइनस भी प्लस माइनस माइनस भी ई की पावर भी ये आ जाएगा इससे और इसको कैंसिल कीजिए और लिखिए तो यहां पे आ जाएगा वाई डी भी बाई डी वाई इक्वल टू
माइनस को कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा v प्लस e की पावर v बाय 1 प्लस e की पावर v। अब आपको वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, तो v की तरह v की फंक्शन को ले आइए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस e की पावर v, नीचे आ जाएगा v प्लस e की पावर v dv इक्वल टू dy, यहां आ जाएगा और y नीचे आ जाएगा। तो इसे आप इंटीग्रेशन करने में बहुत ही आसान होगा, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए। आप जानते हैं अगर मैं इसको इसका डेरिवेटिव करूं तो ये आ जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं d ऑफ v प्लस e की पावर v और v प्लस e की पावर v इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन होगा log y प्लस, मैं कांस्टेंट को log c ले लेता हूं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ये, और इसे लिखूंगा log cy। अब log से log कैंसिल जब हो जाएगा और v की वैल्यू x बाई वाई पुट कर दीजिए, तो x बाई वाई प्लस e की पावर x बाई वाई इक्वल टू सी वाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, पहले आपको x बाई वाई या y बाई एक्स जहां पर रिपीट कर रहा है उसकी हेल्प लेके x y इक्वल टू भी और y इक्वल टू भी एक्स पुट करके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते।